मास्टरबेशन है, इसके ऊपर भगवत गीता में क्या बोला गया है? मास्टरबेशन, एक दूसरे शब्द में इसको मैथुन बोल सकते हैं, सेक्स। जब एक व्यक्ति मानसिक रूप से उस सेक्स क्रिया को मन से कर रहा है, ये एक क्षणिक आनंद शरीर का लेने के लिए होती है। लेकिन अगर इसका देखा जाए कि इसको हमें कितना इसका बिल चुकाना पड़ता है इस गेम का, वो क्या है कि एक व्यक्ति अगर एक बार ये वीर्य अपना शरीर से निकालता है एक बार में, उसको 6 महीने लग जाते हैं उस, क्योंकि एक बूंद वीर्य कम से कम 50 बूंद खून की होती है, तो 6 महीने उस शरीर को वापस उस स्तर पे आने के लिए होता है। यहाँ तक तो रही, लेकिन हमारी ये क्षणिक आनंद लेने की प्रक्रिया हमारा एक स्वरूप है, हमें आनंद चाहिए, हम इस संसार में आनंद खोज रहे हैं। लेकिन ये प्रक्रिया एक ऐसी है जो हम आनंद खोज तो रहे हैं, एक सुख तो मिल रहा है, पर ये बहुत क्षणिक है। ये आत्मा का सुख नहीं, ये शरीर का है। शरीर का स्वास्थ्य इसमें बहुत ख़राब तो होता है, लेकिन क्योंकि ये प्रक्रिया एक नेचुरल है, इसलिए हम ये। लेकिन भगवद गीता में क्या बोला है, भगवान ने बोला है बलम बलवतम चाहम, क्योंकि सब चीज़ भगवान से ही आ रही है। तो इसका मूल कहाँ से आएगा? तो भगवद गीता में भगवान ने बोला है बलम बलवतम चाहम काम रागा विवर्जितम धर्मो विरुद्धो भूतेषु कामोस्मिन भरतश्रव। कहते हैं कि एक शक्तिमान की शक्ति मैं हूँ, और ये जो मैथुन की शक्ति है और मैथुन, वो भी मैं ही हूँ। लेकिन क्यों बोला? जो मैथुन धर्मो विरुद्ध हो, धर्म के विरुद्ध ना हो। धर्म क्या कह रहा है? धर्म कह रहा है इस प्रक्रिया को आप कर सकते हैं एक विवाहित जीवन के अंदर, जिसमें कि आप अपने परिवार को, समाज को साथ में लेते हुए इस प्रक्रिया को करेंगे, वो तो आप स्वास्थ्य में भी ठीक रहेंगे। लेकिन इस प्रक्रिया को एक एक लाइसेंस की तरह नहीं हमने इस्तेमाल करना, क्योंकि मनुष्य जीवन जो है सिर्फ ये खून की होली खेलने के लिए नहीं है। जीवन बहुत छोटा है भाई, अगर इसमें हो गया तो बंदर आपको पता है कितनी बारी करता है? 20 बार बंदर करता है 24 घंटे में, 300 बार कबूतर करता है, क्या आप कर सकते हैं? तो ये जो प्रक्रियाएं हैं जितनी शरीर रूप में हैं, हमारे मनुष्य जीवन के लिए इतनी नहीं है। तो इसीलिए इसको एक रेगुलेटेड वे में भगवद गीता में इसके लिए कहा है भगवान, इसको एक धर्म। धर्म क्या है? कि इस प्रक्रिया को आप परिवार में ले सकते हैं, ये प्रक्रिया को एक नेचुरल तरीके से हम ले सकते हैं, और इसमें हम अपने स्वास्थ्य को भी ठीक रखेंगे।